नमस्कार, मैं राजा कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं एक और धमाकेदार मुकाबला जो खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच में, उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे, परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। दोस्तों, आफ्टर 4-5 दिन मैं जो कुछ टूर में गया था कुछ काम के वजह से बेंगलुरु, जो मैं आप लोगों को बता भी दिया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और वहां भी हमने 5 मैच कवर किए, 5 में से 4 अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप। ओवरऑल बात करेंगे, लास्ट 29 मुकाबले में से 26 मुकाबले हमने जैकपॉट लगा दिए। प्रूफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिएगा, और इस मुकाबला को भी हम वन साइडेड जीतेंगे। लास्ट मैच में कैप्टन जडेजा हमारे लिए काम करते, फिर हमारी टीम में जो भी सारे प्लेयर थे दुनिया चिल्ला लगे, भाई सब किसी के पास नहीं थी, हमारे लिए वन साइडेड वो काम कर दिया था। फिर कुलदीप यादव हो या फिर दोस्तों हो हमारा जसप्रीत बुमराह, श्रीलंका के हमने टॉप ऑर्डर को छोड़े थे, तो यहाँ पे हम किसको लेंगे किसको नहीं उसको लेके आपको कंप्लीट वीडियो देखना होगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो मुकाबला है लंका वर्सेस पाकिस्तान, इसको लेके हम डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अब बताती है फाइनल टीम को लेके, तो फाइनल टीम आपको कहाँ पे मिलेगा? फाइनल टीम मिलेगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, पिच रिपोर्ट हो या फिर फाइनल अपडेट्स वगैरह हो, कुछ भी, कुबेरा का डियो किंटो पिक्स हो, एक्सेंस 22 का बाइसेल मल्टी वेगर पिक्स हो, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम कर लेना है, चले जाना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आपको दिखेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सीधा सा लैंड कर जाइए आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर, या फिर कुछ आप ऐसा भी कर सकते हो, इसी वीडियो के चले जाइएगा कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में मींस पहला कमेंट में दिखेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और सीधा लैंड कर जाइए टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आप लोगों में से अगर कोई ऐसे हैं जो अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब 10 सेकंड निकालो, फटाफट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आने वाले टाइम में ढेर सारे अपडेट्स, ढेर सारे मुकाबले हम YouTube पे कवर करने वाले हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं एक प्रेडिक्शन राजा का जो लीडर बोर्ड चल रहा है कहाँ पे, दोस्तों वो चल रहा है लीग 11 के ऊपर। आप लोगों में से जो भी प्रेडिक्शन राजा फैमिली से एशिया कप में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट करोगे वहाँ पे रैंक शो भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि भाई मैं टुक्का आके बोल दूंगा, वहाँ पे डेली मैच के बाद जो है रैंक अपडेट होती है। उनमें जो PR फैमिली से, दुनिया की अदर फैमिली से नहीं, सिर्फ PR फैमिली से टॉप पे आएगा उसको 25,000 रुपीज रियल कैश, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबला या फिर एक बड़ा मुकाबला जो कि वर्ल्ड कप का खेला जाएगा उसमें हम लोग मीटअप रखेंगे, और मीटअप ऐसे नहीं, हॉस्पिटलिटी टिकट जो कि कह सकते हो एक मैच का सबसे इंपॉर्टेंट टिकट होता है, उससे बेहतरीन टिकट कोई होता ही नहीं है, वहां बैठ के साथ मुकाबला देखेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये कहां पे चल रहा है अभी लीग 11 के ऊपर, इसका भी मैं लिंक आपको जो है टेलीग्राम पर दे दूंगा, और ध्यान रखिएगा टॉप पे आइए, साथ मिलते हैं, साथ एक दिन जो है टाइम स्पेंड करेंगे और मुकाबला भी साथ देखेंगे, कहां पे स्टेडियम में बैठ के। अब इस मैच में जो हम जिक्र करेंगे वो आपके सामने है, मैच डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, लास्ट मैच फेलियर स्टेट्स, वेन्यू रिपोर्ट्स, फिर हम देखेंगे रिसेंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड, और स्मॉल लीग के साथ साथ हम ग्रैंड लीग को लेके भी डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों, आइए हम वेन्यू को लेके बात कर लेंगे। आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में मुकाबला होगा, जो कि एक स्पिन टू विन फॉर्मूला माना जाता है। इस मैच में भी मुझे लगता है कि स्पिन टू विन फॉर्मूला काम करने वाली है। एवरेज स्कोर को लेकर बात कर लेंगे, 250 से लेकर 260 के बीच में आपको देखेंगे, हाईएस्ट स्कोर 375 है, लेकिन इसको अभी आप भूल के चलिएगा, लोएस्ट टोटल 96, और सुइटेबल यहाँ पे है स्पिन फ्रेंडली विकेट आपको देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बड़े प्लेयर नसीम शाह रोल्ड आउट हो गए एशिया कप से, उनके जगह पे आपको दिख जाएंगे जमन खान। वेन्यू ओडीआई स्टैट्स को लेकर बात कर लेंगे, टोटल यहाँ पे 132 मुकाबले हुए, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 78 मुकाबले और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 54 मुकाबले। ओडीआई स्कोरिंग पैटर्न को लेकर बात कर लेंगे, तो बिलो 200 स्कोर बने हैं 21 दफा, फिर 200 से लेकर 249 बने 52 दफा, और 250 से लेकर 299 बने 37 दफा, और एबव 300 बने हैं मात्र 22 दफा। तो आप मान के चल सकते हो 250 के आसपास का टारगेट। अब आइए हम बात करते हैं रिसेंट मैच को लेकर, सबसे रिसेंट मुकाबला हुआ है 13 सितंबर 2023 को, जहां पे इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाए थे 213 रन, जवाब में लंका की टीम 172 पे सिमट गई थी। वहां पे आपको देखने को मिलेगा पेसर्स फर्स्ट इनिंग में 0 विकेट, स्पिनर 10 का 10 विकेट, सेकंड इनिंग पेसर्स 4 विकेट, स्पिनर 6 विकेट। 11 सितंबर, यहाँ पे 11 सितंबर को भी एक मुकाबला हुआ था इंडिया पाकिस्तान में 11-12, क्योंकि एक दिन वहाँ पर रखा गया था, मतलब कह सकते हो कि एक जो है ना आप इंडिया पाकिस्तान मुकाबला हो और एक एक्स्ट्रा डे नहीं रखोगे पानी की वजह से, तो फिर क्या भाई साहब इतने बड़े मुकाबले का फिर आप लुत्फ कैसे उठाओगे। जहाँ पे इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर लगाए थे 356, पाकिस्तान सिमट गई थी 128 रन पे, जहाँ पे इनके 8 बल्लेबाज गिरे थे, नसीम शाह और हारिस राफ इंजर्ड की वजह से बैटिंग नहीं किए थे। पहले इनिंग में मिला था पेसर्स को एक विकेट, स्पिनर्स को एक विकेट, जहां पे किंग कोहली लोकेश राहुल लगा देते सेंचुरी। सेकंड इनिंग में बात करेंगे, पेसर्स 3 विकेट, स्पिनर्स 5 विकेट ले गए थे। एक और मुकाबला कब खेला गया था वो आपके स्क्रीन के सामने, 9 सितंबर 2023 को, जहां पे श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते बोर्ड पर लगाए थे 257 रन, बांग्लादेश 236 रन लगाए थे। फर्स्ट इनिंग में मिला था पेसर्स को 8 विकेट, स्पिनर 0 विकेट, सेकंड इनिंग में मिला था पेसर्स को 6 विकेट, स्पिनर्स को 4 विकेट। ध्यान रखिएगा इस वेन्यू के ऊपर, अगर ध्यान दोगे स्पिन वर्सेस पेस में लास्ट के 8 ODI मुकाबला 48 विकेट मिला है पेसर्स को, 74 विकेट मिला है स्पिनर्स, तो
तो आप समझ सकते हो स्पिनर्स के पास अच्छा खासा एज रहने वाला है। अब आइए हम बात करते हैं हेड टू हेड मैच को लेकर। तो टोटल मुकाबला दोनों टीम के आपस में हुए हैं 155, जहां पे 92 दफा दिखे जीते हैं लंका की टीम और सामने वाली पाकिस्तान की टीम जो है वो जीते हैं 58 दफा। अगर हम बात कर लेंगे रिसेंट फॉर्म को लेकर, लंका की टीम लॉस विन 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 करके आ रही है। बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर, वैसे काफी कंसिस्टेंस टीम है और रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है। लॉस विन नो रिजल्ट विन और विन करके ये टीम आ रही है। भाई हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान का, तो आपको दिख जाएंगे ओपन करते हैं फकर जमान, इमाम उलक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अगर सलमान, इफ्तिकार अहमद, सदाब खान, फहीम अशरफ, शहीन आफरीदी, नसीम साहब आपको नहीं दिखेंगे, इनके जगह पर आपको दिख जाएंगे जमन खान या फिर टीम जा सकता है एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जिसका नाम है मोहम्मद नवाज। इंडिया के साथ भी पाकिस्तान की टीम कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ली थी, इनको जो है नवाज को जरूर खिलवाना चाहिए था क्योंकि नवाज के सामने स्ट्रगल करते कोहली, स्ट्रगल करते ईशान किशन, फिर आपको दिख जाएंगे यहाँ पे हारिस रऊफ। अब अगर गेंदबाजी को लेकर बात कर लेंगे 10 हारिस रऊफ का दिख जाएगा, भाई साहब भी इंजर्ड है, इनको लेकर भी कोई कंफर्म न्यूज अभी तक निकल के सामने आया नहीं है, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, खेलते हैं तो 10 ओवर डालेंगे ये, 10 ओवर शहीन आफरीदी, 10 ओवर फहीम अशरफ, 10 ओवर सदाब खान, 40 यहाँ से आएगा और जो यहाँ पे खेलेंगे नवाज जमन खान उससे आप 6-7 ओवर का उम्मीद कर सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे आगा सलमान इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं कर रहे, इफ्तिकार अहमद डाल सकते हैं 4-5 ओवर लेफ्टीज के सामने। अब आइए हम बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स को लेकर, फकर जमन भाई सब ध्यान रखिएगा, ओडीआई में 8 मुकाबला में 45 कैवरेज है, हेड टू हेड में वेन्यू के ऊपर 2 मैच 54 रन है, ओडीआई का 76 मैच में 47 कैवरेज है, रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, 27-20 डू नॉट बैट 14-27। इमाम उलक को लेकर बात कर लेंगे तो नाम काफी है इनका, ओडीआई के बड़े लेवल के क्रिकेटर हैं, और अगर हेड टू हेड में बात करोगे 4 मैच में 48 का इमाम उलक एवरेज है, 45 का फखर जमन का एवरेज है, ध्यान रखिएगा ओपनिंग सॉलिड पार्टनरशिप का निकल का सकता है, वेन्यू अच्छा प्रदर्शन नहीं है, ओडीआई में ओवरऑल 51 का बैटिंग एवरेज है, अगर मैं सही हूं तो इनका ओडीआई रैंकिंग में भी 4 चल रहा है, रिजल्ट फॉर्म नो 78 डू नॉट बैट 5-13। फिर आ जाएंगे बाबर दमदार आजम, 10 मैच 50 का एवरेज हेड टू हेड में, वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 70 रन, ओडीआई में 60 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म 10-17 डू नॉट बैट 151-60। रिजवान साहब को लेकर बात कर लेंगे, एवरेज अच्छा नहीं है, वेन्यू पे 35 के आसपास का एवरेज है, ओडीआई में अगर बात करोगे 36 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म 2-63 डू नॉट बैट 44-67। अगर पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो आपके लिए एक ठीक ठाक पिक बनेंगे, सेकंड बल्लेबाजी में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। फिर आ जाएंगे आगा सलमान, बेहतरीन टैलेंटेड बल्लेबाज, वेन्यू पे 2 मैच में 61 रन 1 विकेट, ओडीआई में 40 का एवरेज 4 विकेट है, रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। इफ्तिकार अहमद इनको लेकर बात कर लेंगे, ओडीआई में 50 का एवरेज है, 9 विकेट है 17 मैच में, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं। फिर आपको दिखेंगे सदाब खान, बेहतरीन टैलेंटेड प्लेयर, बॉलिंग हो बैटिंग हो फील्डिंग हो सभी जगह से अच्छा पॉइंट देंगे, हेड टू हेड 7 मैच में 13 विकेट, वेन्यू पर 2 मैच में 4 विकेट, ओडीआई 91 मैच 25 का एवरेज है 81 विकेट है, रिजल्ट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लास्ट के 3 मैच में उससे पहले 4 विकेट 3 रन 3 विकेट, फहीम अशरफ एवरेज प्लेयर है, वेन्यू पर 2 मैच में 2 विकेट है, हेड टू हेड 3 मैच में 2 विकेट, ओडीआई में 26 विकेट है 33 मैच में, रिजल्ट फॉर्म ठीक ठाक है। फिर आ जाएंगे शहीन आफरीदी, नाम ही काफी है, ज्यादा डिस्कस ना करें तो भी सही होगा, कैप्टन भी दे सकते हो, स्मॉल लीग में तो मस्ट पिक होंगे, वेन्यू पे 2 मैच में 3 विकेट, ओडीआई 41 मैच 82 विकेट, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, 1 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, नसीम शाह नहीं खेलने वाले हैं, हारिस रऊफ भी इंजर्ड है लेकिन अगर खेलते हैं तो आपके सामने स्टैट्स होनी चाहिए, 26 मैच 49 विकेट है इनके ओडीआई में, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट। भाई हम बात करते हैं बेंच पे कौन कौन से प्लेयर होंगे, हारिस होंगे, नवाज होंगे, अब्दुल्ला साफिक, युमीर और वसीम जूनियर। अब रिप्लेसमेंट में नसीम शाह और अगर नहीं खेलते हैं हारिस रऊफ तो शाहनवाज धानी को लगाया जाएगा हारिस रऊफ के रिप्लेसमेंट में, जमन खान को नसीम शाह के रिप्लेसमेंट में, जमन खान कल मोस्ट प्रोबेबली खेलते भी आपको नजर आ जाएंगे। अब स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर बात करें तो आपको दिखेंगे शहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, लेकिन नसीम शाह तो नहीं दिखेंगे क्योंकि खेलेंगे ही नहीं, तो इनके जगह आप जमन खान को ऐड कर सकते हो, डेथ में शहीन आफरीदी, अगर हारिस रऊफ खेलते हैं तो वो दिख जाएंगे, ध्यान रखिएगा नसीम शाह कन्फर्म नहीं खेलेंगे, हारिस रऊफ डाउटफुल है, अगर वो भी नहीं खेलेंगे तो फिर पाकिस्तान की गेंदबाजी यूनिट थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं लंका का पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर। मैंने हमेशा से कहा है लंका को चाहिए कि दिमुथ करुणरत्ने के जगह पर कुशल परेरा को लेकर जाए। अगर हम बात करेंगे ओपनिंग आपको दिख जाएंगे करुणरत्ने, फिर निशंका, कुशल मैंडी, सदीरा समर विक्रम, अस्तलंका, दसुन तनका, धनंजय डिसिल्वा, दुनित विल्ला लगे, कसुन रजिता, महेश तिक्साना और आपको दिख जाएंगे अंपाथिराना। क्या इस मैच में फिर से अस्तलंका 10 ओवर का स्पेल डालेंगे, क्वेश्चन मार्क सामने होंगे। रीजन क्या है कि अगर ये पिच उसी तरह से स्पिनर के मुताबिक अच्छा रहा तो अस्तलंका आपको अच्छा खासा ओवर डालते नजर आ सकते हैं, अगर स्पिन टू विन फार्मूला वर्क नहीं किया तो शायद आपको अस्तलंका उतना अच्छा ओवर डालते नहीं देखेंगे। इसके और दूसरा कारण ये भी है, सामने अगर लेफ्टीज आ गए लाइक इमाम उल हक, फखर जमन, ये लोग अगर मिडिल में जाते हैं खेलने के लिए फिर अस्तलंका से आप कुछ ओवर जरूर देखोगे, अगर ये लोग स्टार्टिंग मोट हो जाते हैं फिर इनका स्पेल कम हो सकता है। ओवरऑल बात करेंगे विल्ला लगे, रजिता, तिक्साना, पाथिराना, इन चारों को डालना चाहिए 40 ओवर और बाकी के 10 ओवर जाना चाहिए दसुन तनका, धनंजय डिसिल्वा और चरित अस्तलंका के खाते में।
भाई हम बात करते हैं करुण रत्ने को लेकर, हेड टू हेड बेहद ही बुरा, वेन्यू के ऊपर बेहद ही बुरा और रिजल्ट फॉर्म भी अच्छा नहीं, अगर 183 को छोड़ दोगे तो पता नहीं ओडीआई में ये टीम क्यों इनको बैक कर रहे हैं। निशंका को लेकर बात करेंगे तो वेन्यू पे 34 का एवरेज है, ओडीआई में 41 का एवरेज है, रिजल्ट फॉर्म बहुत बड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन टैलेंटेड बल्लेबाज है, बैक आपको करना चाहिए। फिर आ जाएंगे कुशल मेंडिस साहब, वेन्यू पे देखोगे 48 का बैटिंग एवरेज, और अगर बात करेंगे हेड टू हेड में उतना अच्छा स्टेट्स नहीं है, ओडीआई में 32 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म 15, 50, 92, 5, 43, सदीरा समर विक्रम अच्छा प्लेयर टच में है, वेन्यू पे 3 मैच में 60 का एवरेज है, ओडीआई में 30 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म 94 भी आया है, 93 और 54 रन भी बना के आ रहे हैं, तो ठीक ठाक प्लेयर है, बैक कर सकते हो आप। फिर आपको दिखेंगे चरित अस्तलंका, वेन्यू के ऊपर 11 मैच में 492 रन, 4 विकेट। अब देखिए भाई साहब, पिछले मैच में विकेट का कहते ना कि वो 4 विकेट वाला स्पेल डाल गए थे, अब अगर वही अस्तलंका यहाँ गेंदबाजी करते तो आपके लिए मस्ट पिक हो जाएंगे, मिनी जीएलजीएल में कैप्टन वीसी के भी अच्छे मटेरियल बन जाएंगे, लेकिन ओवरऑल ये मैं बोलूंगा आपके लिए एवरेज पिक रहने वाले हैं। ओडिया में 40 का एवरेज है, 1 विकेट भी लिए हुए 35 मैच में, लेकिन ये 4 विकेट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, अदरवाइज यहाँ पर ज़्यादा विकेट होता। रिसेंट में देखोगे 22 रन 4 विकेट, 10 रन 36 रन, 62 रन 36 रन। फिर दसवन सना का हेड टू हेड 2 मैच 111 रन, यार भाई क्या सॉलिड खेला है टूएड में। वेन्यू पे 14 मैच 211 रन, ओडीआई 61 मैच में 1150 रन है, 24 का एवरेज 23 विकेट है। रिजल्ट फॉर्म देखोगे तो गेंदबाजी भी करने आ रहे हैं, भले ही इनको ज़्यादा विकेट ना मिल रहा हो अगर ये 3 विकेट को छोड़ दोगे तो। फिर दिख जाएंगे संकट मोचन वक्त में हमेशा से लंका के तरफ से खड़े होने वाले प्लेयर धनंजय डी सिल्वा, वेन्यू पे 16 मैच में 343 रन है, 11 विकेट है, ओडीआई के 76 मैच में इनका 29 का एवरेज है, 41 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 41 रन 0 विकेट, 6 रन 0 विकेट, 14 रन 2 विकेट, 2 रन 1 विकेट और 4 रन। दुनित विल्ला लगे भाई साहब दिल जीत लेने वाला प्लेयर, एक मैच में ऐसा पारी खेलना, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो दुनिया इसको जान लिया। वेन्यू पे 5 मैच में 82 रन 11 विकेट, ओडीआई 11 मैच में इनका जो है 12 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 42 रन 5 विकेट 1 विकेट, 33 रन 2 विकेट 1 विकेट और 3 विकेट 3 रन। अगर दोस्तों हम अपने टीम में दुनित विल्ला लगे को कैप्टन दे दे तो आपको आश्वस्त नहीं होना है, मेरे फाइनल टीम में हो सकता है इस मैच में दुनित विल्ला लगे कैप्टन हो। फिर दिख जाएंगे आपको कसुन रजिता, वेन्यू 5 मैच में 4 विकेट, ओडीआई 26 मैच में 35 विकेट, रिसेंट फॉर्म अगर 4 विकेट को छोड़ दोगे तो उतने अच्छा नहीं है, ठीक से ना 2023 में बेहतरीन फॉर्म से चल रहे हैं। वेन्यू पर 6 मैच 11 विकेट, ओडीआई में 22 मैच में 36 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 3 विकेट 28 रन 1 विकेट 2 विकेट और 4 विकेट। फिर आपको दिख जाएंगे एम पाथीराना, अगर टीम की पहले गेंदबाजी आती है आपके लिए मस्ट पिक हो जाएंगे, वेन्यू पर 2 मैच 3 विकेट, ओडीआई में 6 मैच में 9 विकेट, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 0 विकेट। बेंच पे होंगे कुशल परेरा, चमिका करुणरत्ने, दी हेमंता, वी फर्नांडो और प्रमोद मधुसन। अब मेरे अकॉर्डिंग के परेरा को मौका मिलना चाहिए करुणरत्ने के जगह पे, अच्छे प्लेयर हैं, इनका डोमेस्टिक में रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक था। अब अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर आपको दिख जाएंगे के रजिता, एम थिक्साना और एम पाथीराना, डेथ ओवर्स को लेकर बात कर लेंगे दुनित विल्ला लगे, कसुन रजिता और एम पाथीराना आपको डालते दिखेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर, उससे पहले हम डिक्लेयर करते हैं एक बड़ी बात, आप लोगों के बीच में पता होगा अभी गिव अवे चल रहा है, कमेंट गिव अवे, एशिया कप के फाइनल नजदीक आने वाले हैं, आप लोगों में से किसी दो भाई को मिलेंगे 5,000 रुपए बिल्कुल रियल कैश, फोन पे गूगल पे पेटीएम जो भी यूज करते हो उनके थ्रू, उसके लिए आपको एक छोटा सा काम कर लेना है, एशिया कप के वीडियो को लाइक कर लेना है, ठीक है, उसके बाद बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए एशिया कप के वीडियो को देखना होगा, और अगर आपने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे तभी आपका कमेंट वैलिड होगा, देन आफ्टर आपको जाने कमेंट सेक्शन में, वहां पे बताने हैं कि इस एशिया कप को कौन विन करने वाले, इस मैच को नहीं, एशिया कप 2023 की चैंपियन टीम कौन सी बनने वाली है। आप लोगों में से जो भी भाई का जवाब सही होगा उनमें से किसी दो लकी भाई को मिलने वाले हैं 5,000 रुपीज बिल्कुल रियल कैश। अब भाई हम बात करते हैं हमारी फैंटेसी की टीम क्या बनने वाली है, तो अभी के लिए जो मैंने टीम तैयार की है वो आपके सामने, विकेट के पीछे मैंने लिए हैं अपनी टीम में रिजवान साहब को अभी के लिए, देन आफ्टर बाबर आजम, फखर जमान, अस्तलंका, सदाब खान, धनंजय डी सिल्वा, फहीम अशरफ, दुनित विल्ला लगे, देन आफ्टर बॉलिंग से साइंस आफरीदी, एम थिक्साना और एम पाथीराना। बात करें कैप्टन वीसी को लेके तो मैं ये कॉल आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, रीजन क्या है कि कैप्टन वीसी से बाबर आजम, फिर सदाब खान, अगर स्पिन टू फिन विन फॉर्मूला काम करता है तो भाई साहब यहाँ पे विल्ला लेके, धनंजय डी सिल्वा, सदाब खान, 3 साइन साफरीदी, हर एक कंडीशन में चाहे वो स्पिन फेवर भी विकेट हो नहीं हो सभी जगह पे, मतलब देखिएगा सदाब खान 1, डी सिल्वा 2, विल्ला लेके 3, साइन साफरीदी 4, बाबर आजम 5। यहाँ पे मैंने अभी के लिए अपने फेवरेट प्लेयर इमामुल हक कुछ जगह नहीं दिया हुआ है, तो मैं क्या करने वाला हूँ फाइनल टीम में, ऐसा हो सकता है अस्तलंका को लेकर अगर मुझे कुछ भी न्यूज आया कि गेंदबाजी कम करेगा मैं ड्रॉप कर दूंगा अस्तलंका को, ले लूंगा इमामुल हक को, ड्रॉप करूंगा रिजवान को, ले लूंगा के मेंडिस को, उस तरीका का मैं चेंजेस कर सकता हूँ। अभी के लिए जिसको मैंने कैप्टनसी का वार्ड सौंपा है उसका नाम है कैप्टन होंगे सदाब खान, वीसी हमारे होंगे अभी के लिए धनंजय डी सिल्वा, और मैं इस टीम के साथ सभी एप्लीकेशन पे खेलने वाला हूँ।
बाकी टॉस के बाद अगर कोई फेरबदल होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जीएल जरूर ट्राई कीजिएगा। किसको पेन ट्रैक अपना के, जो मैंने आपको 5 कैप्टन विजी के नाम बताएं उसको फॉलो करके। धन्यवाद।